क्यों इन आंखों को बस गंद की नालियां दिखती हैं? निकली बेबसी में उनके मुंह से गालियां दिखती हैं। अरे भूल गए जो तुम्हारे लिए मुफ्त में दुआ मांगी थी। क्यों तुम्हें किन्नरों की सिर्फ तालियां दिखती हैं? क्यों तुम्हें किन्नरों की सिर्फ तालियां दिखती हैं? दोस्तों, मैं संजीत आज आपके समक्ष हाजिर हूं कड़वा सच लेकर। जब आपकी जुबान पर किन्नर या दूसरे शब्दों में हिजड़ा आता है तो आपके मुंह से एक व्यंग्यात्मक गाली निकलती है। आपने सिर्फ उन्हें तालियां बजाते हुए भीड़, चौराहे या बस अड्डे पर देखा, मगर कभी इन तालियों के पीछे हकीकत जानने की कोशिश की है? उसी हकीकत को एक कविता में पिरोया है। बेटी भी चलेगी मगर बेटे की आस थी, बेटी भी चलेगी मगर बेटे की आस थी, राजेश के लिए आज की रात बड़ी खास थी, मगरूर था उस पल के लिए जब किलकारी आएगी और देने बधाई उसे गांव की हर नारी आएगी। 14 साल बाद कोई संतान जन्म लेगी, उसके आंगन को खुशियों से महका देगी। अब उसके कि 14 साल बाद कोई संतान जन्म लेगी और उसके आंगन को खुशियों से महका देगी। एकदम सपनों की दुनिया से जाग लिया, किलकारी सुनी खड़ा हुआ भाग लिया। अंदर गया तो माहौल कुछ और था, दाई व औरतों में कानाफूसी वाला शोर था। जैसे ही देखी पत्नी चारपाई पर लेटी, फटाक से पूछा, बेटा हुआ है या बेटी? मगर उसकी पत्नी बेसुध पड़ी थी। दाई एक कोने में नीची गर्दन किए खड़ी थी। हिजड़ा हुआ है कहकर सभी चल पड़ी, दुत्कारती हुई राजेश को वहां से निकल पड़ी। जिसको कोई नहीं खाता वो सूखा घास था, अपने घर में खड़ा राजेश एक जिंदा लाश था। उसके सपने फिर से सपने बन गए, पराये छोड़ो दुश्मन यहाँ अपने बन गए। इस दुनिया में सबसे अच्छा था पर माँ के लिए वो भी एक बच्चा था। अब सुख दुख बढ़ता रहा, धीरे धीरे समय कटता रहा। एक शाम राजेश की दहलीज पर चार किन्नर आए, साथ में गांव के सरपंच को लाए। राजेश हमने सुना है तेरे घर किन्नर पैदा हुआ है, कह हमने सुना तेरे घर किन्नर पैदा हुआ। सुनते ही उसने खामोशी का जहर पिया। सुन अब वक्त मत लगा, इस बुराई को रोप दे, तेरे बच्चे को इन किन्नरों को सौंप दे। राजेश उनकी भावना को भाप गया, अंदर आते ही बोला, भगवान बचा ले अपने बच्चे की जान, वरना वो ले जाएंगे, न मुड़के कभी आएंगे। अब न राजेश कुछ कर सका ना उसके घर वाले, फिर से थी दोनों की झोली खाली। वो तो किन्नर से खुश थे मगर समाज ने नहीं जीने दिया, एक माँ बाप के फटे बुढ़ापे को नहीं सीने दिया। जलील किया, ठोकरे मारी, बीच गली में कई बार इज्जत उतारी। हिजड़े का बाप कह के राजेश को कई बार बुलाते थे और पत्नी को भी हिजड़े की माँ से आवाज लगाते थे। एक दिन तंग आकर कहता उर्मिला, जितना जीना था जी लिया, और राजेश ने खेत में आकर जहर पी लिया। उसकी लाश को देखकर समाज की टोली फिर से हंसी। सुनकर लोगों की बात उर्मिला भी चल बसी। अब राजेश का वो किन्नर बेटा दिल्ली आकर रहने लगा और उन्हीं किन्नरों में से दो को मम्मी पापा कहने लगा। वक्त के साथ बच्चे से थोड़ा जवान दिखने लगा, तालियां बजानी और नाचना भी सीखने लगा। अब 2 जून की रोटी के लिए स्टेशन पर घूमता रहता, तालियां बजाकर लोगों को कुछ देने के लिए कहता, पर न उसके चेहरे पर मुस्कान का सूरज खिलता था, हमारी गालियों के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता था। एक रात चादर ओढ़ के भूखा आराम से सोया हुआ था, अपने ही सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। अचानक एक आदमी ने उसकी चादर हटाई और कहा, अरे बावले तू क्यों भूख में सो रहा, आजा ट्रेन में साथ खाना खिलाता हूँ, तुझे अपने पैसे से चाय भी पिलाता हूँ। उसका हाथ पकड़ के बिना पूछे अंदर की ओर खींच लिया और डिब्बे में आते ही उसके मुंह को भींच लिया। वो एक बच्चा, उसमें इतना जोर नहीं था, इस वक्त ट्रेन में कोई और नहीं था। बिलख कर छटपटाने लगा, एक नाकाम कोशिश के साथ उसका हाथ हटाने लगा। आदमी के हाथ से उसकी सांस कलेजे में रुकी थी और तब तक लड़के की पैंट उतर चुकी थी। वो पड़ा उसके नीचे सोचता रहा और आदमी 1-2 घंटे तक उसे नोचता रहा। आज जिंदगी के पहले पेपर में पास हुआ था, उस वक्त उसे हिजड़ा होने का एहसास हुआ था। जिसने उसका शरीर निचोड़ा वो तो एक इंसान था और उनकी जून के लिए अन्नदाता और भगवान था। भगवान गलत काम करे उसे कोई रोकने वाला नहीं, हमारी जिंदगी की तरह बात बात पर टोकने वाला नहीं। पूरे 2 घंटे तक इंसान ने उसके शरीर को निचोड़ा, उसके गाल और कमर को दांतों से काटकर छोड़ा, खाने को मांगा तो 10 का फेंक कर थप्पड़ मारा और धक्का देकर फिर उसे ट्रेन से उतारा। अब वो किसको कहे, उसकी कौन सुनेगा, कौन उसके दुखों को बुनेगा? किसी ने नहीं पूछा, हर कोई उसके पास से आता जाता रहा। किसी ने नहीं पूछा, हर कोई उसके पास से आता जाता रहा और पूरी रात करके याद इंसान को दर्द से कर हाता रहा। अब सारा दिन ट्रेन में तालियां बजाकर थक जाता था, लोगों के मुंह से
गंदी गंदी गालियां सुनकर पक जाता था। बहुत यतन किए मगर कैसे भी नहीं मिले। पूरे दिन मांगा पर एक रोटी के पैसे भी नहीं मिले। चलते चलते नींद में आंख मूंदने लगा। वो फिर से अपने हवस वाले भगवान को ढूंढने लगा। अब तो भूखा एक ही सार था। 10 रुपए के लिए शरीर नुचवाने को फिर से तैयार था। अब न जाने किस किस इंसान से उस किन्नर ने दोस्ती लगाई और कितनी बार जिस्म बेचकर भूख मिटाई। अब अपने ही जिस्म की खुद बर्बादी बन गया और हर चीज का वो आदि बन गया। और जब भी मरा, जब वो किन्नर मरा, उसकी लाश को चप्पल जूतों से पीटा गया, बांधकर गले में रस्सी उसे बीच गली घसीटा गया। किन्नर सबसे गंदी जात है ये चिल्लाते जा रहे थे, मत लेना इसमें जन्म दोबारा, ये गाते जा रहे थे। अब आप मुझे इतना बताइए कि किन्नर किसे कहते हैं? जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते और तालियां बजाते रहते हैं, जो अपनी खामोशियों को मारे, किन्नर है? फिर तो इंसान में बहुत सारे किन्नर हैं। सभी प्रजातियों के लिए दर्द है। चलो हम मर्द हैं, क्योंकि हम बच्चे को पैदा होने से पहले पेट में मरवाते हैं, आंखों के सामने किसी बहन बेटी की इज्जत लुटवाते हैं, अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ते हैं और घर आई बहन को दरवाजे से मोड़ते हैं। अरे यही मर्दानगी है तो मैं थूकता हूँ। अरे हिजड़े से गिरी हुई घिनौनी हरकत करते हो और खुद को हिजड़ा कहने से डरते हो। हाँ, इस बात में बहुत बड़ा राज है। असली मर्द फिर किन्नर समाज है, जो अपनी इज्जत के हर कदम को लांघता है, तुम्हारी खुशी के लिए भगवान से दुआ मांगता है, ना भाई को मरवाता, ना माँ बाप को सताता है, ना ही बेटी मरवाता, ना इज्जत लूट के आता है। यार एक मिनट बैठो और सोच कर देखो, अपने जमीर, अपने जहन को नोच कर देखो। दूसरों के लिए भगवान है, क्या हम इंसान है? सुना था इंसान दूसरों की भावनाएं समझ लेता है, दुख तकलीफ में सबका साथ देता है। अगर इसे ही भगवान, अगर इसे ही इंसान होते हैं, क्या अगर ऐसे ही इंसान होते हैं तो माफ कीजिएगा, मुझे नाम के आगे से इंसान हटाने का मौका दीजिएगा। एक गुमनाम ही सही हूं, सबके लिए आम ही सही हूं, और इंसानियत की चकाचौंध में आदर्शों से गुम हो। मत करो गर्व अपने आप पर, असली हिजड़े तुम हो। अरे मत करो गर्व अपने आप पर, असली हिजड़े तुम हो, असली हिजड़े तुम हो।